हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे मैं अंजलि माधव स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एसएससी एग्जाम खान ग्लोबल स्टडी पर और आज एक और पीवाईक्यू देखेंगे जो थोड़ा सा मेडिवल की कहानी की ओर है और थोड़ा सा मॉडर्न की ओर जा रहा है तो तैयार है भाई पीवाई के लिए बताए आज करेंगे हम रैपिड फायर राम राम जी राम राम राधे राधे जय श्री कृष्णा जय हिंद जय जै भारत चलो तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं पहला प्रश्न आपके लिए क्या है देखते हैं आओ जी देखें, पहला प्रश्न आपके लिए क्या है यहाँ पर निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था मतलब कि हमको बताना है कि कौन सा भैया जहाज था जो अंग्रेज पहली बार भारत लेकर के आए थे बताएं जी मैम प्लीज लाइव क्लास से अनब्लॉक करवा दीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच में सुशील गुप्ता <laughs> तो ऐसा काम करते कि वो ब्लॉक कर दिया जाए तुम्हें है ना युद्ध के लिए तैयार हो तो सी आंसर इसका रेड ड्रैगन बहुत बढ़िया सी आंसर कोई बताएगा रेड ड्रैगन को कहा बनाया गया था रेड ड्रैगन को कहा बनाया गया था ये तो तुम लोगों ने रट लिया भाई साहब है ना रेड ड्रैगन भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था पंद्रह पंचानवे ब्रिटेन के डेफ्ट यार्ड में इसको बनाया गया था इसके बाद क्लॉब आया था फिर आया था क्रम से ठीक है ब्रिटेन में रेड ड्रैगन बहुत बढ़िया रेड ड्रैगन का कमांडर कौन था नहीं होता समुद्री लुटेरे में जैको कैप्टन तो ऐसे ही जहाज के कैप्टन और कमांडर होते हैं तो कौन था रेड ड्रैगन चलाने वाला कौन इसको मैनेज कर रहा था बताए तो देखिए कहा ब्रिटेन में बनाया गया था कहां जी ब्रिटेन में और ब्रिटेन में भी कहा बनाया गया डेफ्ट फोर्ड डॉकयार्ड में डेफ्ट फोर्ड डॉकयार्ड के अंदर इसको बनाया गया था चले जी ये भी बता दिया मैंने डॉकयार्ड कब बना पंचानवे में बना और सही बताऊं इसका नाम रेड ड्रैगन था ही नहीं इसका नाम था मैन मैन से नाम बदल के इस जहाज का नाम रेड ड्रैगन रखा गया पहले इसका नाम क्या था बेसिकली जब ये बना था मैन मैन फिर नाम बदल कर नाम रखा गया रेड ड्रैगन रेड ड्रैगन और रेड ड्रैगन के कमांडर कौन थे ये आपने बताना जल्दी बताओ थॉमस बेस्ट कौन थे भैया थॉमस बेस्ट और थॉमस बेस्ट के बाद यानी कि रेड ड्रैगन के बाद फिर क्लोब आया है ना क्लोब के बाद आया था हेक्टर क्लोब के बाद कौन सा आया हेक्टर ये तीन क्रम से बता दिया मैंने रेड ड्रैगन आया क्लोब आया और हेक्टर आया था पंद्रह 1595 में भी बना था बहुत बढ़िया 1595 में, में बनाया गया था बहुत अच्छी बात है ठीक है चलो तो हमने रेड ड्रैगन के बारे में थोड़ी सी चीजें जान ली अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और।, और आज अपन करेंगे रैपिड फायर तैयार हो रैपिड फायर के लिए एक मिनट से भी कम समय लेना चाहिए आपको जीएस के क्वेश्चन के लिए ठीक है जीवन में सारी बफरिंग सफरिंग सब हमारे जीवन में हो जानी है तैयार हो आंसर करते जाना फटाफट से लास्ट में बताना कितने सही निकले हैं ठीक है मैम साथ में नोट करती हूँ देखो जब भी पीवाई की करो ना तो नोट कम किया करो क्योंकि नोट्स बनाने का समय नहीं है ये ठीक है अब ये समय है कि हमने जो नोट्स बनाए थे उनका रिवीजन करने का ठीक है अभी नहीं करेगा बफरिंग है ना परेशान मत हो चलो तो फटाफट से अपना पेज ले लो राइट और क्रॉस लगा लेना और लास्ट में बताना हमें कि आपके कितने आंसर सही निकले हैं रेडी स्टडी गो आओ भाई सब देखिए अगला क्वेश्चन इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ इसके साथ यानी कि एक युद्ध हुआ था जिसके बाद भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में जो पंगेबाजी हो रही थी वह खत्म हो गई यानी कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को दबा दिया था बताए कौन सा युद्ध हुआ था बताए जरा कौन सा युद्ध हुआ था तो प्लासी का था बक्सर का था बान्डीवास का था श्री रंग का युद्ध था ठीक है बताएं बहुत सारे लोग बी लगा रहे हैं वाह जी बहुत बढ़िया तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी की बात है यहाँ नवाब की बात हो ही नहीं रही है तो कैसे तुमने प्लासी और बक्सर लगा दिया है ना में का युद्ध होता है और युद्ध युद्ध जो है वह आंग्ल फ्रांस वाले हैं हैं जिसमें फ्रांसीसी हार जाते हैं, अंग्रेजों की विजय हो जाती है तो आंसर क्या होगा सी अगर यहाँ बंगाल विजय बात चल रही होती बंगाल की तो प्लासी और बक्सर में जाते है ना आओ अगला प्रश्न देखें किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया बताया जरा कब हो गया था तो देखो याद करो। याद करो करो एक्ट कब कर आया था 1858 बहुत बढ़िया पहले रानी के अधिकार में आया ठीक है फिर एटीन फिफ्टी अठारह की क्रांति याद नहीं है अठारह के बाद में क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी खत्म हो गई और चार्टर एक्ट आया जिसके तहत क्या हो गया ब्रिटेन की सरकार अपने ऊपर अधिकार जमाने लगी तो 1858 आओ आगे चले और अगला प्रश्न देखें क्या है भाई पुर्तगाली यात्री वास्को डी का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम क्या था कमाल की बात बताते भारतीय राजा का नाम था इमानुएल इमानुएल प्रथम ये राजा का नाम था ठीक है लेकिन इसकी उपाधि क्या थी तो इसकी उपाधि थी जमोरिन क्या था जी जमोरिन लेकिन हमने हमेशा रटा है कि जमोरिन नाम के राजा थे जमोरिन इसकी क्या थी उपाधि ठीक है कपक नाम का बंदरगाह था जो कालीकट के किनारे था लेकिन हमने हमेशा पढ़ा है कालीकट बंदरगाह है ना तो आओ अगला प्रश्न देखिए जरा जिस समय सत्रह इकसठ में पानीपत की तीसरी लड़ाई हो रही थी अहमद शाह अब्दाली था एक तरफ यानी दुर्रानी और मराठा देखे जरा इधर तो अहमद शाह थे मराठा की तरफ से कौन था जो पानीपत की तीसरी युद्ध में था जो हार गया था कमेंट करके बताओ जरा कौन था मराठाओं की तरफ से जिसने पानीपत के तीसरी युद्ध लड़ी थी बताए तो देखे जरा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सहा आलम द्वितीय हो जाएगा शाह आलम द्वितीय का टाइम पीरियड है सत्रह साठ से यार कैसी बातें कर रहा हो सत्रह इकसठ में कौन आएगा सालम द्वितीय आएंगे डी लेकिन अगर मराठों की बात करें तो सदा शिवराय भाव ठीक है मराठों की तरफ से था और ये हार गए थे अगला प्रश्न देखें कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी फ्रांसिस्को डी अल्मोडा अल्फांसो डी अल्बुकर्क फ्रांसिस कैरन फ्रांसिस मार्टिन इनकी मम्मी इनका नाम कैसे लेती होंगी भाई है अल्मोडा बताए जरा क्या लगता है क्वेश्चन नंबर जरूर डालें बउआ हमें पता कैसे चलेगी कि, कि किसका आंसर करा है क्वेश्चन नंबर सिक्स का डी फ्रांसिस मार्टिन बहुत बढ़िया बहुत सुंदर गलत जवाब अल्मोडा भैया अल्मोडा ठीक है अल्मोडा करेक्ट आंसर है सी नहीं है फ्रांसिस तो कुछ भी तुक्का भी यार तुम लोग कैसे मारते हो अल मोडा ब्लू वाटर पॉलिसीज ने चला दी थी यानी हिंद महासागर पे पुर्तगालियों का अधिकार होगा अलव्यू करके इन्होंने आदिल शाह से क्या छीन लिया गोवा छीन लिया फिर आएंगे नीनो दिको ना वो क्या करेंगे वो गोवा को अपनी राजधानी बना लेंगे ठीक है तो इस वाले प्रश्न का आंसर पहला होगा आओ अगला प्रश्न देखे मुर्सद कुली खां अलवरदी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे तो भैया मुर्सद कुली खां ठीक है अलवर दीखा सिराजुद्दौला ये सब बंगाल के नवाब रहे कहां के बंगाल के नवाब रहे कोई बात नहीं गलत सही सब करते चले जाओ लास्ट में मुझे बताना कि आपने कितने सही करे हैं ठीक है थीके? आओ अगला प्रश्न देखें फ्रांसिसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना फ린다 ब्लैंक्स में दूसरा कारखाना स्थापित किया तो पहला तो सूरत में था दूसरा कहां था दूसरा कहा था बनारस में कलकत्ता में मुंबई में या मछली ये मसूली पट्टनम तो दूसरा कहा बनाया था मसूली पट्टनम में बनाया था चलो आओ अगले प्रश्न की ओर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त की थी बताया जरा पुर्तगालियों से गोलकुंडा के शासक से बीजापुर के सुल्तान से या डचों से छीन ली थी तो फ्रेंच लोगों ने पांडुचेरी को अपनी राजधानी बनाया और बीजापुर के सुल्तान से इसको छीना था किससे बीजापुर के सुल्तान से छीना था प्यारी टेम्पल जी हाँ बेटा दिख रहा है तुम्हारा कमेंट हमें है ना आओ आगे चले अगला प्रश्न देखें निम्नलिखित में से किस स्थान पर बाडियार राजवंश का शासन था बाडियार राजवंश वही बाडियार मैसूर में बाडिया राजवंश आ गया था लेकिन किसके अंडर में चलता था अंग्रेजों के अंडर में चलता था तो मैसूर ठीक है बाडियार किससे संबंधित है मैसूर से संबंधित है दस का पहला बहुत बढ़िया अगला प्रश्न देखिए भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी तो भैया अभी बताया था कि फ्रांसीसी लोग कहाँ थे पांडुचेरी थे है ना बंडीवास के युद्ध में जीत लिया था अंग्रेजों ने फिर उन्हें तो देखिए जरा पांडुचेरी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक बा बी बहुत बढ़िया अगला प्रश्न देखें वर्ष सत्रह कराया था ये वाला प्रश्न कल भी आया था लेकिन कल ये था हवा महल का निर्माण किसने करवाया फिर मैंने आपको बताया कि सत्रह निन्यानवे में किसने करवाया था और हवा महल की डिजाइन किसने बनाई थी लालचंद उस्ताद जी ने बनाई थी तो क्या बनवाया था हवा महल या हवा पैलेस इसको बोला जाता है ठीक है क्या हो जाएगा बारहवे का पहला हो जाएगा चलें अरे प्यारी टेंपल दिख रहा है लाइव में तुम्हारा कमेंट परेशान मत हो आओ अगला प्रश्न देखें नवाब सुजा दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदर जंग के मकबरे का निर्माण करवाया था सफदर जंग का मकबरा बढ़िया है ठीक ठाक है देखने जैसा थोड़ा थोड़ा सा हुमायूं के मकबरे से ऐसा लगेगा कि बना बना सा लग रहा है बहुत बड़ा नहीं है ठीक है चार वाक प्रणाली इसके बीच में आ, यूज की गई है बीच में मकबरा है चार तो चार है चारों तरफ प्रणाली और ये दिल्ली में स्थित है 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 दिल्ली में स्थित है। ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा तेरेवे का सी बहुत बढ़िया सुमित्रा आओ अगले प्रश्न की ओर किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था हमको बताना भैया भारत ईस्ट इंडिया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी व्यापार करने के लिए तो सोलह सो में कब 1600 सोलह सो में में सो में।, में नहीं सो में आई थी सोलह पांच में व्यापार के लिए उसने परमिशन ले ली थी ठीक है तो सोलह सो आओ अगले प्रश्न की ओर देखिए जरा क्या है प्रश्न वर्ष में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया जिसे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी कहा जाता है तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ अठारह अठारह में हुआ था तीसरा कब हुआ हुआ था? अठारा अठारा में हुआ था। में तीसरे का तीसरा ही हो जाएगा सी करेक्ट आंसर होगा पंद्रह का ठीक है आओ आगे चलें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हरा दिया था बड़ी अच्छी कहानी है यहाँ पे पहले आप बताओ फिर हम बताएंगे बताएंगे वाला युद्ध क्यों हुआ था क्वेश्चन नंबर प्लासी में है ये पगलेटे स्वाली का युद्ध गुजरात में पड़ता है स्वाली सोलह बारह में हुआ था आप बताए ये कहानी क्यों हुई थी जहांगीर से अंग्रेज परमिशन लेने पहुंचे अब जहांगीर से पुर्तगालियों ने क्या रखा था कि बेटा अगर हमारे अलावा किसी को भी परमिशन दी तो तुम्हारा तो पिटना तय है तो जहांगीर ने अंग्रेजों को पहले परमिशन नहीं दी डर के मारे मना कर दिया क्योंकि पुर्तगालियों का दबदबा था वही शुरुआती में आए थे फिर हो जाता सोलह बारह में क्या ये स्वाली का युद्ध जिसमें पुर्तगालियों को हरा देते हैं यानी जो धमकी देते फिर रहे थे वो ही पिट जाते हैं अब अंग्रेज जाते हैं जहागीर से बोलते हैं अब बोलो क्या बोलते हो बिडू ये तो पिट गए जो तुम्हें पीटने वाले थे अब हमसे हाथ मिला लो उसके बाद जहांगीर इनको परमिशन देता है फिर 16 13 में सूरत में फैक्ट्री लगाई जाती है तो यहां सवाली का युद्ध क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का लेवल ऐसे आएगा मैम देखो बेटा यहां क्या लिखा हुआ है 2019 एसएससी सीजीएल का है जीडी तो छोड़ो ठीक है यानी एसएससी बोर्ड के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो हैं ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं है ना ये क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पर आपका टाइम भी मेंशन करवा देती हूँ कि किसी के मन में अगर ये ख्याल आए कि अच्छा ये प्रश्न भी आते थे सड़े से क्या तो ये कब आया है तो सारे टाइम पीरियड आपको नीचे दिखेगा कि किस शिफ्ट में आया है किसका पेपर है किस ईयर में आया है ठीक है जी चले आओ आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं देखे जरा निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था भाई ये तो बता दे यार ये तो बन सकता है है ना ये तो बन सकता है इसका आंसर नहीं बन रहा डी आंसर है भैया सी इसका आंसर है। बाजिद अली सहा। बाजिद अली अली अवध के अंतिम नवाब आदत खान नहीं बाजिद अली शाह बहुत बढ़िया अब अगला प्रश्न देखें। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज ब्लैंक्स को हस्ताक्षर किए गए हमें बताना है पुर्तगाली शासन चल रहा था गोवा पे यानी कि गोवा का मुक्ति दिवस कब है बात खत्म गोवा का मुक्ति दिवस बताओ जल्दी से तो गोवा का मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाएंगे है तो पन, 19 1961 19 दिसंबर 1961 गोवा को मुक्ति मिल गई ठीक है तो 18 का क्या होगा पहला ही आंसर करेक्ट होगा बहुत बढ़िया पहला आंसर क्या इसका करेक्ट है चलो आओ अगला प्रश्न देखें मंगलौर के संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्लैंक्स के बीच हस्ताक्षर हुए थे बताओ जरा आंग्ल मैसूर युद्ध याद करो थोड़ा सा तो याद आएंगे टीपू सुल्तान के साथ हस्ताक्षर अच्टा, हुआ था किसके साथ तो टीपू कहाँ गए भैया ये टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान बहुत बढ़िया आओ अगला प्रश्न देखें बाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था बाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था बाडगांव का सम्मेलन जो है बेसिकली मराठाओं के साथ में किया गया था हैस्टिंग का टाइम पीरियड चल रहा था उस समय तो कब हुआ था बाडगांव सेवनटीन एट्टी नाइन में सेवनटी सेवनटी नाइन में बेटा जी सेवनटी सेवनटी में आओ आगे अगला प्रश्न देखें चौहत्तर में प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध और रोहिल्ला था एक अफगानी शासक ठीक है रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्ला को अवध के किस नवाब ने हराया था बताया जरा वॉरन हेस्टिंग इसको सपोर्ट कर रहे थे कौन था नवाब तो उद देखो सिराजुद्दौला और सुजाउद दोनों अलग हैं। सिराजुद्दौला बंगाल के हैं और सुजाउदौला रातर आ रहा है ये अवध के हैं तो उद्दौला ने रोहिल्ला को हराया था और उसको सपोर्ट किया था हेस्टिंग ने वॉरेन हेस्टिंग ने ठीक है वॉरेन हेस्टिंग के सपोर्ट से ये जीत गया था अब आगे चल अगला प्रश्न देखे श्री रंगपट्टनम किला ब्लैंक्स में स्थित है बताए मम्मी याद कर रही है देखो हिचकी बंद हो गई बताए कर्नाटक बिल्कुल और कर्नाटक में क्या पड़ता है श्री रंगपटनम पड़ता है ठीक है रुके जरा एक है आओ जी तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा कर्नाटक एकदम करेक्ट आंसर है बहुत बढ़िया आओ अगला प्रश्न देखें वर्ष सत्रह फ्लेंडा ब्लैंक्स की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। बताएं जरा में कौन सा युद्ध हुआ था जिसके बाद बंगाल पर वर्चस्व आ गया था सही मायने में अंग्रेजों का तो देखो काल कोटरी की घटना हो गई थी छप्पन में उसके बाद हुआ क्या प्लासी का युद्ध कौन सा प्लासी का युद्ध उसके बाद बक्सर का होगा तो प्लासी का युद्ध भाई साहब प्लासी के युद्ध में एक तरफ कौन थे सिराजुद्दौला और एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव और जीत कौन जाता है रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं इसके बाद फिर क्या सिराजुद्दौला को हटा देते हैं और उनके सेनापति मीर जाफर को क्या बना देते हैं बंगाल का नवाब 1764 में बक्सर का युद्ध बिल्कुल बहुत बढ़िया है, मिस्टर हैकर आओ जी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अलवरदी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना तो भैया अलवरदी खां के कोई पुत्र तो था नहीं उनकी तीन पुत्रियां थी ठीक है तीन पुत्रियों में से एक पुत्री के पुत्र थे, जिनका नाम था सिराजुद्दौला, ये 22 या 23 साल के उम्र के थे जिस समय ये बंगाल के नवाब बने तो आंसर क्या हो जाएगा सिराज उद्दौला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो 24 का 24 का सी आंसर होगा बहुत बढ़िया आओ अगला प्रश्न देखें पानीपत की तीसरी लड़ाई सत्रह इकसठ में हुई थी ठीक है पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी सिख और मुगल के बीच में अकबर और हेमचंद्र के बीच में बताएं जरा तो 25 का जी बी वाला कौन है अंजलि तुमने नाक कटवा दी मेरे नाम की मराठी और अहमद शाह अब्दाली बिल्कुल दुर्रानी और मराठा के बीच में था अब अब अभी बताया था सदा से बराय भाव है ना मराठों की तरफ से तो पहला वाला क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा पानीपत और तराइन के तीन तीन युद्ध तीनों पता होना चाहिए 25 का ए बहुत बढ़िया आओ अगला प्रश्न देखें श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया था तो हमने अभी बताया था कि टीपू सुल्तान जब हार गए थे तो ये में बाड़ियार वंश आया और ये वंश अंग्रेजों के अंडर में चला करता था मतलब था तो खुद राजा लेकिन चलता था अंग्रेजों के हिसाब से तो बाडियार कौन आ गया था बाडियार आ गया था 2019 का क्वेश्चन ये ठीक है 2019 का आओ अगला प्रश्न देखें सत्रह छप्पन में अलवरदी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना अभी देखो बताया था यार जिसने काल कोठरी की घटना घट दी थी कौन था सिराजौला जिसने क्या कहा कि मेरे होते अंग्रेजों को किले की ज़रूरत नहीं है मैं सबको प्रोटेक्शन दूंगा स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं कि अंग्रेजों की मधुमक्खी से तुलना किसने की अलवरदी खान ने ठीक है तो वो पूछ लेंगे आपसे कि स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया तो यहाँ क्या हो जाएगा सिराज उद्दौला इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरे रहते अंग्रेजों को किले बंदी की आवश्यकता नहीं है है ना सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर आओ अगला प्रश्न देखे पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था तो देखो अलवू कर्क जो थे उन्होंने गोवा पर अधिकार कर लिया था इसके बाद नीनो दकुना आए नीनो दकुना ने गोवा को क्या बना ली अपनी राजधानी बना ली तो पंद्रह दस में अल्वू कर्क ठीक है पंद्रह दस में अल्वू कर्क अलवू बहुत बढ़िया सही आंसर है पंद्रह दस अलवू जरा बताओ हमें थ्री जी पॉलिसी किस पुर्तगाली के द्वारा चलाई गई थी थ्री जी पॉलिसी थ्री जी पॉलिसी अब थ्री जी मतलब ये नहीं कि नेट है ना नेट नहीं है थ्री जी पॉलिसी कब चलाई गई थ्री जी में तीन जी आते हैं जी फॉर गॉड जी फोर ग्लोरी जी फोर गोल्ड इसलिए इसको बोला थ्री जी पॉलिसी किसके अलवू कर के द्वारा चलाई गई थी ठीक है किसके द्वारा अलवू कर के द्वारा ही चलाई गई थी कि भैया इंडिया का सोना हमारा होना चाहिए इंडिया में गॉड हमारे चलने चाहिए इंडिया में हमारी महिमा होनी चाहिए अलवू करेक्ट आंसर है, है. आव, अगला प्रश्न देखें जरा से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन है मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा की बात करें तो बाजीराव प्रथम थे और बाजीराव प्रथम के बाद से ये पेशवा पद की शुरुआत हुई कि सबसे उच्च पद मराठा में पेशवा माना जाएगा है ना इसके बाद अगर अंतिम की बात करें तो बाजीराव द्वितीय बाजीराव द्वितीय क्या रहे अंतिम पेशवा रहे थे आओ अगले प्रश्न की ओर चलें देखो एक मिनट से भी कम में करना है अपन को इसलिए कर रहे हैं देखते हैं कि कितने लोगों के सही यहाँ पर निकलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बस फ्लिंदा ब्लैंक्स में फ्रांसीसियों से पांडुचेरी को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया था अभी देखो बताया था कि बांडीवास वाला हुआ था जिस चक्कर में पिट गए भाई साहब फ्रांसीसी। तो सत्रह इकसठ में फ्रांसीसियों से पांडुचेरी छीन लिया था अंग्रेजों ने ठीक है थीके? हाँ जी कैसे याद है बाजीराव मस्तानी वाला है ना <laughs> बांडीवास युद्ध याद नहीं है मूवी सारी याद है देखे जरा निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाल वायस बना था तो बताएं अल्फांसो डी अल्बुकर्क बने थे फ्रांसोसो डी अल्मेडा, लोपो सोरेन्ज अल्वेरिया या मैनेजेस नाम है इनके स्कूल में भी मतलब टीचर एकदम कन्फ्यूज हो जाती होंगी तो सबसे पहले आए थे अल्मेडा कौन आया था भैया अल्मेडा आए थे फिर अल्बुकर्क फिर नीनो दिकुना ठीक है आओ अगला प्रश्न देखें 1856 में गवर्नर जनरल ठीक है फ्लिंडा ब्लैंक्स ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक होंगे ठीक है और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी यानी कि पूरे भारत पे फिर किसी भी मुगल शासक का वर्चस्व नहीं चलेगा 1856 1857 क्रांति में कौन था जल्दी बताओ कैनिंग लॉर्ड कैनिंग तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ना हो जाना ठीक है तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बहुत बढ़िया इन्होंने ही जो अठारह की क्रांति हुई थी तो अपना मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद में तो कैनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आओ अगले प्रश्न की ओर चलें श्री गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिख ने बंदा बहादुर अच्छा सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में ब्लैंक्स के खिलाफ विद्रोह किया था मुगलों की ओर से थे किसकी ओर से मुगलों की ओर से थे ठीक है फिरंगी के खिलाफ मुगलों के खिलाफ पगले फिरंगी के खिलाफ नहीं मुगलों के खिलाफ वजीर खां अभी बोला मैंने ठीक है आगे चलें और अगला प्रश्न देखें चौदह मार्ग की खोज की थी मार्ग को क्या बोला गया था कैप ऑफ गुड होप बोला गया था जो किसने खोजा था भैया बताए जरा किसने खोजा था नाम बताओ बास्को डिगामा ने कहा के लिए भारत के लिए खोजा था पर आपको बताना है कि चौदह सतासी में ये तो चौदह अंठानवे में आए लेकिन चौदह सतासी में सबसे पहले पुर्तगाली निकले थे भारत की खोज के लिए नाम आपको बताना है ठीक है रम्मी रॉय बेटा सबके कमेंट देखते पर सबके नाम ले पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता ना बताए सबसे पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत की खोज के लिए निकला था उत्तर मासा अंतरिप तक आ पाया था लेकिन ज्यादा धुंध होने की वजह से अब यूरोपीय थ्योरी क्या कहती है कि अपना जो क्या कहते हैं फ्लैट है अब कोई चीज मेरे पास नहीं है ऐसे मान लो वो तो अर्थ को ऐसे मानते कि भाई चलते चलते अर्थ से नीचे टपक जाएंगे एक दिन तो प्लेट की तरह यूरोपियन थ्योरी क्या कहती है कि प्लेट की तरह अर्थ है अब उत्तर मासा द्वीप के लिए निकला था बार्थोलोमेडियाज कोलंबस नहीं कोलंबस तो कहाँ चला गया था अमेरिका कोलंबस वाह बहुत बढ़िया कोलंबस गलत सबने भाई सब कोलंबस से भर है कमेंट कोलंबस नहीं बार्थोलोमेडिया निकले थे उसके बाद कोलंबस उसके बाद कौन आया था बास्को डिगामा और बार्थोलोमेडिया इसलिए नहीं खोज पाए थे क्योंकि उनके पास कंपास जैसी कोई चीज ही नहीं थी तो हेनरी चल रहे थे यूरोप के राजा उसे कहा जाता है उसने फिर एक यंत्र बनवाया जिसको पर आजकल कंपास कहते हैं उस समय से कुतुबन कहा जाता था फिर यंत्र बास निकले तो उत्तर तो मिलता है दोनों लैंग्वेज आती थी फिर उसने गुजरात तक के लिए इनको रास्ता बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे जाना है फिर उन्होंने कहा नहीं हम गुजरात नहीं जाएंगे हम तो जाएंगे केरलवा तो भाई साहब पहुंच गए फिर केरल चले कोई बात नहीं पता है तो हमने बता दिया ऋतुराज जी कह रहे मैडम जी पहला गु मेरे को तो कुछ और ही फीलिंग आ गई भाई साहब हाँ <laughs> भैया पैर पर ना करो हमारे न मेल भाई साहब और ना फीमेलर और वाली फीलिंग ला देते हो माना हम बूढ़े की रेंज में आ गए हैं बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं लेकिन ऐसे मत बोला करो चलो आप देखे जरा तो चौदह में कौन आए थे बार्थोलोमेडियाज आए थे लोमेडियाज ठीक है जी इसके बाद कोलम्बस की बारी है और इसके बाद आती है चले सब गर्दा उड़ा दिया कोलम्बस को आओ अगला प्रश्न देखें ठीक है अगला प्रश्न देखें। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्टर ऑफ लेफ्स के साथ जुड़ा है अरे भाई साहब और देख रहा हो ये कितनी बार प्रश्न आया हुआ है दस में है दो में है ग्यारह में है सोलह में है मतलब तो काफी बार पूछा गया है तो बताया भैया 48 से 56 तक 48 से 56 तक किसका टाइम पीरियड चला एक ही था पगलेट आदमी लॉर्ड डल हॉजी ये कहता था अगर तुम्हारे कोई पुत्र नहीं तो तुम्हारी संपत्ति हमारी है आज के टाइम बोलते तो डूझ जाती इसको जनता कहता पागल वागल है मैं अपना घर तुम्हारे नाम क्यों कर दू तो यहाँ पे देखें आंसर क्या हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति चलाई थी और ये हड़प नीति भी एक कारण थी जिसके वजह से अठारह की क्रांति हुई थी नाना साहेब भी दत्तक पुत्र थे झांसी की रानी के भी दत्तक पुत्र थे इस चक्कर में ये क्रांति उठी कहीं ना कहीं लगान को लेकर भी था और कहीं ना कहीं चरे वाले कारतूस तत्कालिक कारण बन गए जिसकी वजह से अठारह की क्रांति हुई थी चले सतारा महाराष्ट्र को सबसे पहले हड़पा गया था बहुत बढ़िया अंत में आए झांसी की रानी से लड़ते हुए की क्रांति ग्वालियर में समाप्त हो जाती है फटाफट से बताओ किसके कितने नंबर आए हैं ठीक है किसके कितने नंबर आए हैं हमने टारगेट लिया था कि एक मिनट से कम में क्या करेंगे एक मिनट से कम में क्वेश्चन लगाएंगे पहली बार रेल चलाया था बिल्कुल डाक व्यवस्था भी इन्होंने शुरू की रेलवे की भी शुरुआत की तो उनतीस है तीन मिनट बचे थे तो आ गया अब जा रहा हूँ पीके सर की क्लास है ठीक है जल्दी निकलो खोपचे फटाफट से पीके सर इंतजार कर रहे होंगे पैंतीस में से पच्चीस पैंतीस में से इकतीस लगभग सही है बहुत अच्छी बात है सुमित्रा का इकतीस है बहुत बड़ी बात है तो गिने नहीं देवी जी पर तीन चार नंबर आ गया होगा बहुत है <laughs> पचास में से बयालीस वाह बिक्की बॉय पचास क्वेश्चन इन क्वेश्चन तो पैंतीस ही है ये और जहर हो रहा है हैं बिक्की कौशल चले मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कल मिलेंगे एक और पीवाई क्यू के साथ ठीक है और तैयारी करके आना टॉपिक बता देते हैं मेडिवल वाला ही रहेगा लमसम जो आज हम पढ़ रहे थे ना आज ही से मिलता जुलता क्या है आप टॉपिक देखोगे जिसमें अंग्रेजों की बातें हो रही होंगी थोड़ा सा कांग्रेस का यहाँ पे एंट्री हो गई होगी इस टाइप के क्वेश्चन आपको कल देखने को मिलेंगे आज आपकी पहली बार क्लास ली है बहुत अच्छा मॉक टेस्ट है अंकित कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं कल आपसे